जगह है जो पहाड़ी से जो शुद्ध गंगा जल है, ये जो फूल लगे हुए हैं ये एक शंकर भगवान के जटाओं से गंगा बहती है, इस जल की मान्यता है। ये जो जल गिर रहा है ये एक साधारण जल है, यहाँ पे कुछ साधारण जल जैसे बारिश का भी आ जाता है, कुछ नेचुरल जल भी है, लेकिन ये साधारण जल है। जो शुद्ध गंगा जल ये जल है, इस पतीले के अंदर यही इकट्ठा होता रहता है, और ये शुद्ध गंगा जल है जो माता बहन 41 डेज इस जल का इस्तेमाल करती है। पी भी सकते हैं पंडित जी, इसको जरूर हम पीते हैं, गंगा जल के रूप में ग्रहण करते हैं और घर पे भी गंगा जल के रूप में लेकर के जाते हैं। इसके आगे हम देखेंगे कि ये एक शेषनाग की नेचुरल आकृति बनी हुई है, छोटे छोटे शिवलिंग बने हुए हैं, जहाँ जहाँ पानी की बूंदे गिरती हैं छोटे छोटे शिवलिंग अपने आप बनते हैं और अपने आप विलुप्त हो जाते हैं। और यहीं वो जगह है जहाँ पर ध्यान से अगर हम सुनते हैं, कोई आवाज़ नहीं आती, तो यहाँ पर ध्यान से सुनते हैं तो यहाँ पे जैसे डमरू की आवाज़ आती है, या जैसे कोई पानी या नदी झरना वगैरह चलता है उसकी आवाज़ आती रहती है। मेन स्थान गुफा के अंदर है, हम गुफा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पे जो ये एक प्राचीन काल मंदिर है, ये बहुत सारा पुराना मंदिर है, लोकल वालों की कुल देवी भी है, तो हम इसको बुजुर्गों से पता लगता है कि ये बहुत पुराना मंदिर है, एक प्राचीन काल मंदिर है। इसका किसी का कोई बनाया हुआ डेवलपमेंट नहीं है, बाहर का डेवलपमेंट होता रहता है, पानी यहाँ पे चलता रहता है, ये 12 महीने पानी लगातार चलता रहता है। इसके आगे हम देखेंगे कि मैन स्थान गुफा के अंदर है, आइए मैन स्थान गुफा के अंदर है। ये सामने माता का ध्यान करने के लिए प्रतिमाएं हैं, और ये नाभि का स्थान है, जो ये नाभि है इसी की मैन पूजा अर्चना की जाती है, यही नाभि है। माता का ध्यान करने के लिए प्रतिमा है, दाई और बाई साइड में पिंडियां हैं। ये जो मैन स्थान गुफा के अंदर ये नाभि का स्थान यही है, इसी की पूजा अर्चना की जाती है। इसके सामने माता का ध्यान करने के लिए प्रतिमा है, दाई और बाई साइड में पिंडियां हैं। माता का ध्यान करने के लिए प्रतिमा और पिंडियां हैं, मैन पूजा अर्चना इस नाभि की जाती है, यही नाभि का हिस्सा है, इसी की यही सबकी मनोकामनाएं माता रानी पूरी करती पूरी करती है। पंडित जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि रश आज के दिन ही है, ऐसे भी रश चलता रहता है? ये रश लगातार वैसे कंटिन्यू चलता रहता है, यहाँ पे पर डे सुबह सूर्य उदय के बाद और सूर्य अस्त तक ये लगातार कंटिन्यू चलते रहते हैं। जो माता वैष्णो के दर्शन करते हैं, यहाँ पर लोकल एरिया में मानसर लेक है, वहाँ घूमने आते हैं, तो ये लोग यहाँ पर माता के जरूर दर्शन करते हैं। क्या मैसेज देंगे आज इस पावन दिनों में आखिरी में? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, जो भी श्रद्धालु माता वैष्णो आता है, जो भी लोकल एरिया में घूमता है, तो माता रानी उनको जरूर यहाँ पे बुलाए और यहाँ पे इस नाभा माता के मंदिर में जरूर आए, दर्शन करें, इस शक्तिपीठ स्थान के दर्शन करें। माता रानी जरूर सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है, तो उनकी भी झोलियाँ भरेगी, और सबकी अरदास है कि वो सब लोग आए और माता रागणी का आशीर्वाद ले, माता प्रणाम करेगा। कोई जल नहीं चढ़ाते, ये लोग जल वापस लेकर के जाते हैं। इस जल का इस्तेमाल गंगा जल के रूप में ग्रहण करने के लिए किया जाता है। ये जल शिवलिंग पे भार जल चढ़ाया जाता है। हाँ जी, ये लोग तो बस जल की मान्यता है कि ये लोग गंगा जल के रूप में लेके जाते हैं। तो इस समय हम जिंद्रा कन्याला के नाभा माता मंदिर में मौजूद थे, और पंडित जी ने काफ़ी अच्छी बातें यहाँ पर कही हैं, और आज रामनवमी भी है, और कल दशहरा जो है वो पूरे धूमधाम से मनाया जाएगा, और पंडित जी ने काफ़ी अच्छी बातें यहाँ की बताई हैं, और ये प्राचीन गुफा है। और कभी आप लोगों को भी मौका मिले, कभी आपके परिवार को भी मौका मिले, तो ज़रूर इस गुफा में आएँ और माता रानी के जो है वो दर्शन करें, माता रानी आपको आशीर्वाद देगी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो यहाँ का जल है, अगर आप इसे पीते हैं तो आपकी कई बीमारियाँ जो हैं वो दूर भी हो सकती हैं। पंडित जी जल कब कोई भी आकर ले सकता है यहाँ पर? आप किसी भी टाइम आकर के इस जल को ग्रहण कर सकते हैं और लेकर के जा सकते हैं, अपने घर पे गंगा जल के रूप में इस जल को काम में लेते हैं, और इस जल को आप गंगा जल के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, किसी भी शुभ काम में इस जल का इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए जी, देखिए आप किसी भी काम के लिए जल को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये भी बताया गया है यहाँ पर कि जो भी स्त्री जिनको संतान नहीं हो रही है वो अगर इस जल से नहाते हैं तो उनको भी जो है वो संतान की प्राप्ति होती है। तो ये माता रानी का एक बड़ा चमत्कार है, और कभी आपको भी मौका मिले तो आप परिवार के साथ जरूर इस नाभा माता मंदिर में आए। देखते रहिए अर्थ न्यूज़, इसके नाम पर सनमित के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।